काजी साहब ने एक मर्सी पिटीशन भी दायर कर दिया। हालांकि शुरू में वो ये कहते थे कि मैंने जो कुछ किया सही किया और जायज किया और अगर फिर मुझे मौका मिले तो मैं फिर यही करूंगा, मगर आखिर में आके उन्होंने मर्सी पिटीशन जब दायर की तो फिर यही दायर हुआ कि उन्होंने शायद तस्लीम कर लिया कि उनसे गलती होगी। अब मसला ये था कि जो उनके बाहर सपोर्टर्स थे वो ये कहने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए आज भी वो उनको एक शहादत का क्लोक पहनाना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें पैबा की सैर। मैं मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी रज़वी अत्तारी ने ना सदर को रहम की अपील की थी ना की है और ना ही कभी सदर पाकिस्तान से रहम की अपील करूंगा। मैं इसको खिलाफ शरीयत समझता हूँ। इस मामले में मेरा वही मौकफ है जो वकलाए नामों से रिसालत उलमाए हक खुसूसन शेखुल हदीस हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब, हजरत अल्लामा डॉक्टर शफासी जलाली साहब, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी कादरी साहब और दीगर उलमाए हक का है। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मुमताज कादरी हरदम तैयार है, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह नबी वारिस।